नमस्कार दर्शक मित्रों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वैसे है तो छोटी ही, मगर इसमें महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनकी शीघ्र उत्तर शक्ति और ह्यूमर दोनों का परिचय आपको मिलता है। गांधी जी इंग्लैंड में थे, उन्होंने ब्रिटेन के राजा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगी थी। अब गांधी जी अपॉइंटमेंट मांगे तो मिलना तो था ही, तो जो राजा थे उनके एडीसी ने अपॉइंटमेंट कंफर्म करते हुए गांधी जी को पत्र भेज दिया। वो पत्र में कई और चीज़ें भी लिखी थी कि आपको ऐसा ड्रेस पहनना होगा, ऐसे शूज पहनने होंगे, ऐसे सॉक्स पहनने होंगे, इस तरह का हैट रहेगा, इस तरह की टाई रहेगी, इस तरह का सूट रहेगा, ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखी हुई थी। गांधी जी ने देखा वो खत, थोड़ा सा मुस्कुराए। वैसे गांधी जी थोड़े हल्के से स्वभाव के इंसान थे, टेंशन के बीच भी वो मुस्कुरा लेते थे। पहुंच गए जो समय दिया गया था उनको मुलाकात के लिए राजा के साथ, तो उनका जो एडीसी था वो महात्मा जी को देख के अचंभे में पड़ गया। उसने बोला महात्मा जी को कि ये जो आप जो पहन के आए आदि 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 धोती लॉन क्लॉथ, उसमें तो मैं आपको हमारे महाराजा साहब को मिलने नहीं दे सकता, आपको विगत से इंस्ट्रक्शन दी गई थी, आपने एक का भी पालन नहीं किया और जस के तस ऐसे ही आ गए आप जो आपका ड्रेस है पहन के। तब जाके महात्मा जी ने बोला कि मगर आप राजा साहब को बताइए तो सही कि मैं आया हूँ समय में। वह एडीसी गया, बोला कि ये बैरिस्टर गांधी आए तो हैं मगर उन्होंने जो प्रोटोकॉल के मुताबिक ड्रेस पहनना चाहिए वो नहीं पहना है, उन्होंने ऐसा ड्रेस पहना है जिसे प्रोटोकॉल का भंग होता है। तो किंग ने बोला, राजा ने बोला कि खैर कोई बात नहीं, अब आए ही हैं तो मेरे पास भेज दो, देखो तो सही ये है कौन आदमी। तो महात्मा जी को उनको मिलने जाने दिया। महात्मा जी पहुंचे अंदर मुलाकात ही कक्ष में, तो राजा ने उनको पूछा कि आपको ये प्रोटोकॉल वगैरह की सूचना नहीं मिली थी क्या? गांधी जी ने बोले मिली थी ना, पूरी पूरे की पूरी सूचना मिली। फिर राजा ने बोला कि आप जो पर्याप्त कपड़े पहनने चाहिए आपको प्रोटोकॉल के लिए वो आपने क्यों नहीं पहने हैं, आप ऐसे ही आधी धोती में आ गए हो, ये ठीक नहीं, ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है। मगर महात्मा जी थे, उन्होंने बोला कि शहंशाह आप तो राजा हैं, आपसे झूठ क्यों बोलूं? हमारे देश के जितने भी कपड़े हैं लूट के आप सब इंग्लैंड ले आए हो, तो है ही कहाँ हमारे पास कपड़े जो पहन के आओ। तो महात्मा जी ने एक क्षण के लिए सोचा, वो भी तो बैरिस्टर थे, और फिर विनम्रता से जवाब दिया कि महाराजा साहब, मैं उस देश से आता हूँ जो आपकी हुकूमत है और मेरे देश से सब कपड़े तो आप लूट के यहाँ ले आए हैं,
फिर मेरे पास कहाँ से कपड़े होंगे? आप लोग, आपने हमें लूट लूट के गरीब कर दिया है, गरीब बना दिया है। तो राजा के चेहरे पे मुस्कान थी, समझ में आ गया उनको कि छोटे सी बात में एक बहुत बड़ा तर्क, एक बहुत बड़ी सलाह, एक बहुत बड़ा उपालम महात्मा जी ने इन्हें दे दिया है। मतलब यही होता था कि आप हमारे यहाँ से सब लूट के लाए हो, हम गरीब है उसकी वजह से, और इसलिए मैं यही देश में आपके सामने उपस्थित हुआ। दोस्तों, ये थी महात्मा जी की ह्यूमर। किसी भी परिस्थिति में महात्मा जी, ये उनका हथियार ह्यूमर का, हंसने का बखूबी इस्तेमाल करते थे। वैसे हमें भी ये सीखना चाहिए, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, प्रश्न चाहे कैसा भी हो, हमेशा हंसते रहो, बात प्रोटोकॉल में रह के करो चाहिए, मगर ह्यूमर मत छोड़ो।